अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्बन टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं घिया का रायता, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी 1 किलो के करीब हमने घिया लिया। उसको हमने कद्दूकश करके और अच्छे से बॉईल कर लिया, और बॉईल करके उसका पानी वगैरह निकाल के उसको निचोड़ के हमने रख लिया। और हमें चाहिए होगी दही, वो हमने लिया आधा किलो के करीब दही लिया। और हमें चाहिए होगा नमक मिर्च हसबे जायका, और इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, और हम इसमें फिर एंड में लगाएंगे तड़का, वो लगाएंगे हम जीरे का, लहसुन का और ऑयल का। अब हम अपना घिया का रायता बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, दही को अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा पतला और गाढ़ा भी कर सकते हैं। हमने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। अब इसमें हम सबसे पहले डालने लगे आधी चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट, इसको हम मिक्स करेंगे। और हम नमक मिर्च, वो हम हसबे ज़रूर डालेंगे, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसमें मिक्स हो गया, ये मिक्स हो गया। तो अब इसमें हम घिया ऐड करेंगे जो हमने पहले से बना के रखी हुई। घिया का रायता एक बहुत ही आसान और एक अच्छी डिश है, जो कि मोस्टली जो है ना गर्मियों में बहुत ज्यादा खाई जाती है। घिया जो है वो ठंडे भी होते हैं, और वैसे इसको खाना जो है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा ये रेडी हो गया। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। ये देखिए, हमने जो है घिया को दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये हमारा रायता अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अब हमने इसमें तड़का लगाना है। उसमें हमने लिया है एक पैन, और उसमें हमने 4 से 5 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। और अब हम फ्लेम को ऑन करने लगे। बिल्कुल हमने लो फ्लेम पर ऑयल को रख दिया, और अब हम इसमें ये डालने लगे। लहसुन और जीरा इसमें शामिल करने लगे। अब हम इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे, हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें तड़का लगा देंगे। और आपने ना इसको तड़के को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये जले ना। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा तड़का जो है वो भुनने लगा है। लहसुन भी फ्राई हो रहे हैं और जीरा भी अच्छे से फ्राई होने लगा है, और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। ये देखिए, हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह आपको हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।